जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देखना शुरू कर चुके हैं AR अनबॉक्स। हमारे पास ये डिवाइस है सैमसंग गैलेक्सी A31, जिसमें कुछ दिन पहले सैमसंग One UI 3.1 और Android 11 का एक नया अपडेट आया था, जिसमें आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 30 से ज्यादा ऐसे कमाल के नए फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको One UI 3.1 में मिले हैं और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। अभी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। पहले आपको यहाँ पे बीचों बीच ऑप्शन मिलता था, अभी आपको बिल्कुल टॉप पे मिल जाता है, जहाँ पे आपकी जो क्लॉक है वो आपको शो हो जाती है। इसके अलावा आप जो भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज करते हैं, पहले आपको फोन के करीब सेंटर में मिलता था, अभी आपको वो सारा ऑप्शन टॉप पे मिलने लगा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों लॉक स्क्रीन क्लॉक की। पहले भी आप लोग देखते थे कि आपको ऊपर साइड में यहाँ पे क्लॉक का ऑप्शन मिलता था, जहाँ पे आप जो भी क्लॉक सेट करते थे अपनी होम लोकल वो शो हो जाती थी। बट अभी आपको आपके फोन के टॉप पे सेंटर में ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में थोड़ा नया लगता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो और भी ऑप्शन है, जैसे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपके जो आइकॉन होते थे, पहले आपको थोड़े थोड़े बड़े आइकॉन मिलते थे, बट अभी यहाँ पे आइकॉन की साइज को भी कम कर दिया गया है। नेक्स्ट चेंज की बात करें, जो कि दोस्तों आपको शो होगा जब आप अपने फोन को अनलॉक करेंगे पिन या पासवर्ड के थ्रू। आप देखेंगे जो पिन इंटर करने पे यहाँ पे आपको जो डिजिट होती थी उसको राउंडेड सर्कल के अंदर ऐड कर दिया गया है। पहले ही आपको जो राउंडेड सर्कल देखने को मिला ये नहीं होता था, केवल वहाँ पे आपकी डिजिट मेंशन होते थे जिसको आपको अपने पिन को इंटर करके आपको अनलॉक करना होता था। बट ये आपको अभी राउंडेड ऑप्शन में मिल जाएगा, जो कि देखने में भी थोड़ा सा चेंज लगता है और साथ ही साथ थोड़ा सा कूल भी लग रहा है। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों, जो कि आपको मिलेगा आपके डायलर एप्लीकेशन में। आप जैसे डायलर एप्लीकेशन में ओपन करेंगे, देखेंगे कि आपका डायलर बिल्कुल चेंज हो गया है। सबसे पहले रिसेंट का जो ऑप्शन आता है यहाँ पे, उसको थोड़ा सा वहाँ पे जो ऑप्शन थे आपके कॉन्टैक्ट्स के, उनकी साइज को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। कॉन्टैक्ट की डिटेल को केवल आपका नाम ही शो होता है, साथ ही साथ आपने कॉल कब किया हुआ था आपको ये शो हो जाएगा। बाकी आप जब कोई भी कॉन्टैक्ट को ऐड करते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑप्शन शो नोटिस होगा। साथ ही साथ आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपको ऐड करने का सर्च बार, साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो थ्री डॉट के ऑप्शन मिलते हैं उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन ऐड कर दिए गए हैं। लाइक यहाँ पे आपको रिसाइकल बिन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप कोई भी कॉन्टैक्ट डिलीट करते हैं तो परमानेंटली डिलीट ना हो के रिसाइकल बिन में ऐड रहता है, आप वहां से डिलीट करेंगे तब होगा, अदरवाइज आप उसको कभी भी रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें दोस्तों, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, मुझे भी पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया। आपको अपने डायलर को ओपन करना है, वहां पे आपको सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है, देन आपको एक मिल जाता है ऑप्शन कॉल बैकग्राउंड का। आपको जिस भी सिम पे आपके फोन में दो सिम है तो आपको सिम को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आप कॉल के बैकग्राउंड को चूज कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक वीडियो या आप अपनी गैलरी से कोई भी फोटो या AR इमोजी को इम्पोर्ट करके वहां पे ऐड कर सकते हो, जो कि काफी यूजफुल फीचर होने वाला है। नेक्स्ट फीचर की बात करें दोस्तों, जो कि है कॉल पॉपअप ऑप्शन। आपको अपने फोन एप्लीकेशन को ओपन करना है, थ्री डॉट के ऑप्शन पर जाना है, सेटिंग को ओपन कर लेना है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉल डिस्प्ले वाइल यूजिंग एप्स। आप अगर कोई एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तो जब आपके फोन में कोई भी कॉल आती है आपको कैसे देखना है, फुल स्क्रीन पे, पॉपअप या मिनी पॉपअप, आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, आप कोई भी सिलेक्ट करके इजिली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें दोस्तों, जो कि एंड्रॉइड 11 का काफी पॉपुलर फीचर है, नाम है फ्लोटिंग विंडो। आपको अपने रिसेंट ऐप को ओपन करना होगा, उसके बाद आपको जो भी रिसेंट ऐप में एप्लीकेशन है उसके आइकन पर ओपन करना होगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा पॉपअप व्यू, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपको जो भी एप्लीकेशन का आपने पॉपअप व्यू किया है आपको कुछ इस टाइप से आपको व्यू देखने को मिल जाता है, जिसको आप इजिली कहीं मूव भी कर सकते हो। ये भी आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल फीचर होने वाला है। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों नोटिफिकेशन हिस्ट्री का, जिसके थ्रू आप जान सकते हैं कि उस दिन या लास्ट 24 आवर्स में आपके फोन में कौन कौन से नोटिफिकेशन आए। इसको यूज करने के लिए आपको सेटिंग ओपन करके नोटिफिकेशंस ऑप्शन ओपन करना होगा, देन आपको नीचे एडवांस सेटिंग के ऑप्शन पर टैप करना होगा, उसके बाद आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री का, जिसको आपको इनेबल कर देना है। अगर आप इसको इनेबल नहीं करते तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं होंगे। इनेबल करने के बाद आपको सारे नोटिफिकेशन शो हो जाएंगे, जिससे आप कभी भी चेक कर सकते हैं अपने लास्ट 24 आवर्स के नोटिफिकेशन। नेक्स्ट फीचर की बात करें दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इसका नाम है आई कंफर्ट शील्ड। इस फीचर को इनेबल करने के बाद आपके फोन के डिस्प्ले से जितनी भी ब्लू रेज ब्लू लाइट्स इमिट होती थी ये उनको थोड़ा सा कम कर देगा, आपके डिस्प्ले को थोड़ा सा वार्म कर देगा, जिसकी वजह से नाइट में फोन अगर आप यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। इसको आप अपने नोटिफिकेशन पैनल से भी इनेबल कर सकते हो, आप देखोगे स्वाइप करते ही आपको ये ऑप्शन शो हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात करें दोस्तों, जो कि आपको होम स्क्रीन सेटिंग में देखने को मिलेगा, नाम है हाइड एप्स। होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना होगा, सेटिंग का ऑप्शन आता है उसको टैप करना होगा, यहाँ पे आपको हाइड एप्स का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी एप्लीकेशन आपको हाइड करने हो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उनको सिंपली हाइड कर सकते हैं।
नेक्स्ट फीचर का नाम है दोस्तों बेड टाइम। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्टफोन को यूज करते हैं। आपको क्लॉक एप्लीकेशन ओपन करना है, यहाँ पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन मिलता है बेड टाइम। आपको यहाँ पे देखेंगे कि आप जैसे बेड टाइम सेट करते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक मेरा बेड टाइम है, उसको सेलेक्ट करने के बाद आपका जैसे ही टाइम होता है बेड टाइम, आपको 15 मिनट पहले आपको उसको भी कस्टमाइज करना है, 5 मिनट पहले आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका बेड टाइम हो चुका है। और बेड टाइम इनेबल होने के बाद आपकी जितनी भी कॉल्स होगी, जितने भी अदर्स नोटिफिकेशन होंगे, सारे म्यूट हो जाएंगे। काफी ज्यादा यूजफुल है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा फोन को यूज करते हैं तब। नेक्स्ट फीचर दोस्तों इसका नाम है टॉर्च इंटेंसिटी। आप टॉर्च एप्लीकेशन को ओपन करते होंगे टॉर्च फीचर को, यहाँ पे आपको इसके ब्राइटनेस लेवल को कम ज्यादा करने का ऑप्शन आ चुका है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपको लेवल का ऑप्शन मिलता है, जिसके थ्रू आप अपने टॉर्च की इंटेंसिटी को, लाइट की इंटेंसिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, या आपको बहुत ही इंटेंसिटी कम रखनी है तो लेवल के अकॉर्डिंग एक फर्स्ट लेवल से फिफ्थ लेवल तक आप सेट करके उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें दोस्तों जो कि है मोशन एंड जेस्चर्स का, ये आपको सेटिंग के ऑप्शन में मिल जाएगा। आपको सेटिंग ओपन करना है, देन मोशन एंड जेस्चर के ऑप्शन को ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको डबल टैप टर्न ऑफ स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको पहले नहीं मिलता था। ये काफी ज्यादा यूजफुल फीचर्स होने वाला है। नेक्स्ट चेंज बात करें तो दोस्तों जो कि आपको मिलता है कैमरा यूआई में। बेसिकली कैमरा यूआई में बहुत सारे चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे आपको बहुत सारे जो फीचर्स मिसिंग थे लाइक नाइट मोड, टाइम लैप, स्लो मोशन, वो तो आपको नहीं मिलते, बट एक दो चेंजेस जो यहाँ पे नोटिस होते मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिल गया है, पहले भी था बट पहले इसका नाम था लाइव फोकस। साथ ही साथ यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको एक प्लस टैब का ऑप्शन मिल जाता है। आपको यहाँ पे जो अलग से ऑप्शन मिलते हैं प्रो मोड, पैनोरमा, माइक्रो एंड फूड, अगर आपको उसको वीडियो के साइड में ऐड करना है, जो कि आपको नीचे बॉटम में ऑप्शन मिलते हैं उनकी साइड में आपको ऐड करना है, तो आपको यहां से जस्ट मूव करके यहां से ड्रैग कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये ऑप्शन आपके कैमरा ऑप्शंस में ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट चेंज दोस्तों जो कि पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आया वो है सैमसंग गैलेक्सी A31 का वॉल्यूम बार। अभी आप देखोगे कि आपको बिल्कुल एक नए तरीके से वॉल्यूम बार मिल जाता है, आपको बैकग्राउंड में एक बुके इफेक्ट मिलता है, उसके साथ ही साथ आपको वॉल्यूम के जितने भी ऑप्शन मिलते हैं, आपको पहले 3 ऑप्शन मिलते थे, अभी 4 ऑप्शन ऐड हो चुके हैं। पहले आपको ये ऊपर की साइड में मिलता था बट अभी आपको ये जो सेंटर में मिलता है काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों जो कि है नोटिफिकेशन पैनल। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ नोटिफिकेशन पैनल की स्टाइल को चेंज कर दिया गया। पहले आपको यहाँ पे सर्च, पावर, सेटिंग और 3 डॉट का ऑप्शन यही साइड में मिलता था डिवाइस एंड मीडिया में, बट अभी उसको टॉप पे कर दिया गया है। क्लॉक पहले टॉप पे कॉर्नर पे होता था बट अभी उसको सेंटर में कर दिया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपका जो भी बैकग्राउंड होता है उसी बैकग्राउंड के बुके इफेक्ट के साथ आपका नोटिफिकेशन पैनल शो होता है, तो आपको एक नया ऑप्शन ये भी देखने को मिल जाता है। बाकी 3 डॉट के ऑप्शन पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्विक पैनल लेआउट का भी ऑप्शन जो कि नया ऐड किया गया है आपको शो हो जाता है। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों जो कि है मैसेजिंग एप्लीकेशन में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहले आपको ये जितने कैटेगरीज मिलती थी कन्वर्सेशन, साथ ही साथ कॉन्टैक्ट्स एंड यूजफुल कॉन्टैक्ट, ये आपको ऊपर साइड मिलता था बट अभी इसको यहाँ से नीचे की साइड कर दिया गया है, ये आपको एक नया चेंजेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फीचर की बात करें दोस्तों जो कि आपको मैसेज एप्लीकेशन में ही मिलता है वो है रिसाइकिल बिन का। अगर आपका कोई भी मैसेज गलती से डिलीट हो जाता है, आप उसको दोबारा रिस्टोर करना चाहते हैं, तो आपको एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है जो कि है रिसाइकिल बिन का। कोई भी मैसेज आप डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट ना हो के आपके रिसाइकिल बिन फोल्डर में आपको मिल जाएगा। आप रिसाइकिल बिन से जब चाहे उसको रिस्टोर कर सकते हैं बट रिसाइकिल बिन से आप जब उसको डिलीट करेंगे तब आपका मैसेज परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो काफी यूजफुल फीचर है, अगर आपका कोई भी गलती से मैसेज डिलीट होता है तो आप इजीली उसको रिस्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों जो कि है पावर मेनू में। पहले आपको पावर मेनू में 4 ऑप्शन देखने को मिलते थे, दोनों ऑप्शन साइड में होते थे बट अभी आपको ऊपर से नीचे की तरफ 3 ऑप्शन एक एक करके मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे हो सकता है चेंजेस आपको पसंद आए ना आए बट यहाँ पे आपको एक न्यू लुक मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें दोस्तों जो कि आपको मिलता है होम स्क्रीन सेटिंग में। होम स्क्रीन में आपको लॉन्ग प्रेस करने के बाद सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है जो कि है फोल्डर ग्रिड। पहले आपको एक फोल्डर, जो भी आप फोल्डर क्रिएट करते हैं तो उसमें 3x4 एप्लीकेशन को ऐड करने का ऑप्शन मिलता था बट अभी आपको 1x3.1 में 4x4 एप्लीकेशन आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हाइड एप्स का मैंने ऑप्शन बता दिया, आपको ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। साथ ही साथ एक नया ऑप्शन ऐड किया गया जो कि ये है रोटेट टू लैंडस्केप मोड। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों जो आपको मिलता है सेटिंग में बैटरी सेक्शन में। आप बैटरी सेक्शन में आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसका जो पूरा लेआउट था उसको चेंज कर दिया गया। सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे एक ग्राफ का ऑप्शन मिल जाता है जिसके थ्रू आप जान सकते हैं अपनी बैटरी की पूरी केयर रिपोर्ट, साथ ही साथ अपने डिवाइस के प्रोटेक्शन को टर्न ऑन भी कर सकते हैं। आपने अपने डिवाइस को लास्ट टाइम कब रिस्टार्ट किया था, आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। किस एप्लीकेशन में कोई बैटरी का इशू हो रहा है वो भी जान सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे 3 डॉट में आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कॉन्टैक्ट्स, उसके साथ ही साथ डिवाइस केयर का ऑप्शन जहाँ पे आप जान सकते हो कि आपका कौन सा वर्जन रन कर रहा है। ये सारे ऑप्शन आपको बैटरी सेक्शन में 1UI 3.1 के अपडेट के बाद ऐड कर दिए गए हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें दोस्तों, जो कि एंड्रॉयड 11 का काफी पॉपुलर ऑप्शन है, जो कि है एंड्रॉयड ऑटो। अगर आपके पास कोई भी कार है जिसमें अगर कोई भी स्टीरियो लगा हुआ है और उसमें एंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट है, आप अपने कार के स्टीरियो को अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हो एंड्रॉयड ऑटो ऑप्शन के थ्रू। सेटिंग ओपन करने के बाद कनेक्शन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे कनेक्ट अ कार का ऑप्शन मिल जाता है। आप यूएसबी के थ्रू एंड्रॉयड ऑटो से अपने फोन को इजिली कनेक्ट करके ड्राइविंग करते हुए अपने फोन को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात करें दोस्तों, जो कि है ऐप विजेट। कोई भी एप्लीकेशन के आप विजेट उनको अपने होम स्क्रीन पर ऐड करना चाहते हो एज अ शॉर्टकट, आपको उस एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस करना होगा, उसके बाद आपको विजेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहां से देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन में कौन कौन से विजेट का सपोर्ट है, उसके बाद उस विजेट्स को आप अपने होम स्क्रीन पर एज अ शॉर्टकट इजिली ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें दोस्तों, जो कि सैमसंग कीबोर्ड में ऐड किया गया है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको कीबोर्ड में बहुत सारे नए नए ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। थ्री डॉट पर आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाता है मोड्स का, जहाँ पे आप स्टैंडर्ड कीबोर्ड, वन हैंडेड कीबोर्ड और फ्लोटिंग कीबोर्ड्स के ऑप्शन को यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आप बैक जाओगे तो आपको एक ऑप्शन और मिलता है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बिटमोजी एआर इमोजी के साथ ही साथ मोजी टॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों, जो कि एज पैनल में चेंज किया गया है। अपने डिवाइस के सेटिंग ओपन करना होगा, डिस्प्ले के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि है एज पैनल। आप इस पर जैसे ही ओपन करेंगे इसको इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद आप देखेंगे पैनल्स में आपको बहुत सारे एप्लीकेशन, पीपल, स्मार्ट सेलेक्ट, टास्क, वेदर, टूल, रिमाइंडर, क्लिपबोर्ड, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ अपने गैलेक्सी स्टोर के थ्रू भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे हैंडल्स के भी ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पे आप अलग अलग कलर, उसके साथ ही उसकी पोजीशन को लेफ्ट या राइट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी मोड, साइज को भी कस्टमाइज कर पाओगे। नेक्स्ट फीचर की बात करें दोस्तों, जिसका नाम है नोटिफिकेशन स्टाइल। आपको किस टाइप से नोटिफिकेशन देखना है अपने फोन में, आप उसको भी कस्टमाइज कर पाओगे। सेटिंग को ओपन करना है, सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको नोटिफिकेशंस के ऑप्शन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, नोटिफिकेशन स्टाइल का ब्रीफ एंड डिटेल। तो आप अपने अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको केवल ब्रीफ में चाहिए, शॉर्ट में, या आपको डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो एज यू इंटरेस्टेड। Android 11 का काफी पॉपुलर फीचर जिसका नाम है चैट बबल। आपको पहले पॉपअप नोटिफिकेशन जैसा वन यूआई में फीचर मिलता था, बट अभी आपको सेटिंग ओपन करना है, नोटिफिकेशन ऑप्शन ओपन करना है, देन आपको ओपन करना है एडवांस सेटिंग। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस का, तो आपको इसको इनेबल कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले आपको मिलता था स्मार्ट पॉपअप व्यू, बट आपको अभी बबल्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आपको मैसेंजर में ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक उसी तरह से ये भी ऑप्शन वर्क करता है, बट ये सारे एप्लीकेशन में वर्क नहीं करता। आपके अगर सारे एप्लीकेशन में वर्क कर रहा है तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है और आप अपने राउटर को एक्सेस करना चाहते हैं, कोई चेंजेस करना चाहते हैं, देन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। आपको अपने फोन को उस वाईफाई से कनेक्ट करना होगा, सेटिंग के ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मैनेज राउटर का। आप जैसे ही उसको ओपन करेंगे, टाइप करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको अपने राउटर का पासवर्ड इंटर करना होगा। उसके बाद आप लॉग इन करके अपने राउटर के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, किसी यूजर को ब्लॉक कर सकते हैं, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट फीचर की बात करें, जो कि एंड्रॉयड 11 का काफी पॉपुलर फीचर है, जो कि है डार्क मोड शेड्यूल का। आप ये शेड्यूल कर सकते हैं कि आपके फोन में कब डार्क मोड अप्लाई हो और कब वो रिमूव हो जाए। बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, डिस्प्ले सेटिंग ऑप्शन ओपन करना है, उसके बाद टर्न ऑन एज अ शेड्यूल आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सनसेट टू सनराइज या आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चेंज की बात करें दोस्तों, जो कि आपको मिलता है गैलरी में। यहाँ पे आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जितने भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, सबसे पहले आपको ये टॉप पे मिलती थी ऊपर, बट अभी आपको ये नीचे शो हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ग्रुप फोटोज या अनग्रुप फोटोज का, जो कि सिमिलर फोटोज हैं। बाकी आप देखेंगे थ्री डॉट में तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे व्यू डुप्लीकेट्स, यानी एक फोटो के जैसे ही अगर और भी कोई फोटोज हैं तो वो आप एक साथ ही देख सकते हो। वहीं पे अगर दोस्तों चलते हैं मोर के ऑप्शन में, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपको फेवरेट फोटो का ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। फोटो में कोई सजेशन ऐड करना है, आप उसको ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हो। लोकेशन अगर आपको किसी फोटो में देखनी है, तो लोकेशन के अकॉर्डिंग आपकी फोटो अलग अलग कैटेगरी में हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको रिसाइकल बिन का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने कोई भी फोटो डिलीट की है तो आप उसको फिर से रिस्टोर कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो आपको क्लाउड सिंक करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन मैं आपको बताऊं, तो आपकी कोई भी फोटो देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप किसी भी दूसरे फोन में देखना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट व्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और किसी भी फोटो को आप अगर बिक्सबी विजन के थ्रू सर्च करना चाहते हैं तो वहां पे आपको वो भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप उस फोटो को बिक्सबी विजन के थ्रू सर्च कर सकते हैं।
नेक्स्ट फीचर की बात करें दोस्तों, जो कि आपको गैलरी ऑप्शन में ही मिल जाता है, इसका नाम है रिमूव फोटो लोकेशन। काफी ज्यादा यूजफुल है, अगर आप कोई भी फोटो किसी लोकेशन पे क्लिक करते हैं और आप चाहते हैं किसी को फोटो शेयर करने से पहले उस फोटो की लोकेशन को हम डिलीट कर दें, तो आपको फोटो ओपन करना है, एडिट के ऑप्शन पे जाना है। डिटेल ऑप्शन को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड, अगर कोई फोटो की लोकेशन ऐड होगी देन आपको वहाँ पे लोकेशन शो हो जाएगी, आपको डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बट यहाँ पे लोकेशन नहीं ऐड है, तो अभी आपको ऐड लोकेशन का ऑप्शन मिल रहा है। नेक्स्ट फीचर की बात करें दोस्तों, जो कि है सैमसंग ग्लांस। यहाँ पे आप देखेंगे कि अपने फोन में लेफ्ट साइड से राइट साइड स्वाइप करेंगे तो आपको सैमसंग ग्लांस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे गूगल के न्यू फीड जैसे ही आपको बहुत सारी न्यूज, आप बहुत सारी वीडियोज को देख सकते हैं। अगर कुछ गेम्स वगैरह खेलना हो तो आप खेल सकते हैं। बाकी जैसे कि आपको पता है गूगल का न्यू फीड है जहाँ पे आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको सारी न्यूज वगैरह मिलते रहते हैं, सेम टू सेम इसी तरह से आपको आपके सैमसंग गैलेक्सी A31 में सैमसंग ग्लांस का भी ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें दोस्तों, जो कि है कंट्रोल सिस्टम साउंड एंड वाइब्रेशन। पहले आप केवल सिस्टम साउंड को कंट्रोल कर सकते थे, बट अभी आप वाइब्रेशन को भी कंट्रोल कर सकते हो। आपको अपनी फोन की सेटिंग को ओपन करना है, साउंड्स एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन को ओपन करना है, आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिलता है सिस्टम साउंड एंड वाइब्रेशन कंट्रोल। आप देखेंगे यहाँ पे आपका सिस्टम किस किस टाइम पे नोटिफिकेशन करेगा या साउंड करेगा, आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही साथ कब कब वाइब्रेट करेगा, चार्जिंग के टाइम, कीबोर्ड के टाइम, नेविगेशन जिस्टर के टाइम, आपको सारे ऑप्शन मिल जाते, आप इनको यहां से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। एंड्रॉइड 11 का काफी पॉपुलर फीचर जो कि है ओनली दिस टाइम परमिशन ऑप्शन। आप कोई भी नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको पहले ऑप्शन मिलते थे अलाउ या डिनाई का, या अभी आपको ऑप्शन मिल जाएगा व्हाइल यूजिंग दिस एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन को यूज करें तब आप परमिशन के लिए अलाउ करें, या केवल इस टाइम। नेक्स्ट टाइम हम जब भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं आपको फिर से परमिशन के लिए अलाउ करना होगा, ये ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता, जो कि बहुत ही ज्यादा दोस्तों यूजफुल फीचर है बेसिकली प्राइवेसी को लेके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।